हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग नॉलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे CSIR सिम्फर में जो दोस्तों रिक्रूटमेंट आता है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 के लिए, उस इंटरव्यू में दोस्तों आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था, आज वो क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इन फ्यूचर अगर आप CSIR सिम्फर में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा इंटरव्यू का, किस टाइप से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मुझसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था वो सब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो सिर्फ डिप्लोमा पास रखा गया है दोस्तों, इसलिए इसमें कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो सबसे पहले मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, फिर दोस्तों मैं इंटरव्यू सेक्शन में गया था। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा कि आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ से कंप्लीट किया है, थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा दोस्तों, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझसे दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले पूछा गया था दोस्तों पाउडर फैक्टर के बारे में, पूछा गया था। उसके बाद फिर स्टिपिंग रेशियो और उसका यूनिट के बारे में पूछा गया था दोस्तों। फिर दोस्तों एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है ये भी दोस्तों पूछा गया था। फिर उसको बाद दोस्तों बूस्टर फैन जनरली यूज्ड इन, बूस्टर फैन आपका कहाँ पर यूज होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ह्यूमिडिटी हम लोग किस से नापते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो दोस्तों हाइग्रोमीटर, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों अगर आप CSIR सिम्फर में इंटरव्यू देने जाएंगे। फिर दोस्तों आपसे मैक्सिमम और मिनिमम एक्सप्लोसिव लिमिट पूछा जाएगा मीथेन का। इजी है दोस्तों, स्टार्टिंग में आपसे इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दोस्तों धीरे धीरे 2-3 इंटरव्यू आपका लेंगे, तो 2-3 सर आपका बैठे होंगे तो वो लोग दोस्तों इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हार्ड होता जाएगा। फिर दोस्तों जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज नेचर ऑफ फ्लो ऑफ एयर इन माइंस, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो इसका टर्बुलेंट इसका आंसर होगा टर्बुलेंट फ्लो। उसके बाद दोस्तों आपका जो माइंस गैसेस का जो चार्ट होता है दोस्तों वो आपको करके जाना है। फिर दोस्तों ओपन कास्ट ब्लास्टिंग एंड एक्सप्लोसिव से क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि ओपन कास्ट में जो होल रहता है वो कितना मीटर का रहता है और उसका जो डायमीटर है होल का वो कितना तक हो सकता है। एक्सप्लोसिव के बारे में पूछा जाता है दोस्तों कि आपने जो भी माइंस में ट्रेनिंग किया है वहाँ पर कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होता है और वही एक्सप्लोसिव क्यों किस कहे हम लोग यूज करते हैं। फिर दोस्तों साइज ऑफ द पिलर एंड डेप्थ ऑफ पिलर, ये सब पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर ऑफ फायर गैस डस्ट एंड वाटर, ये सबसे प्रिकॉशन हम लोग कैसे लेना है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गर्म गैस मतलब CH4 घटाने का नियम बताइए। धीरे धीरे दोस्तों आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हार्ड होता जाता था। फिर पूछा गया गैस लेयरिंग का अर्थ बताइए। फिर दोस्तों आपसे सेफ्टी लैंप के बारे में पूछा जाएगा, सेफ्टी लैंप में कौन सा तेल प्रयोग करना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों जांच में गैस मिलने पर आप क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन का दोस्तों आपको तैयारी करके जाना है। फिर पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, खान में ऑक्सीजन की कमी कैसे मालूम की जाती है, तो दोस्तों ऑक्सीमीटर से हम लोग खान में ऑक्सीजन की कमी को नापते हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों। फिर पूछा गया था दोस्तों सपोर्ट के बारे में, सफारी सपोर्ट क्या होता है आप डिटेल में बताइए। उसके बाद दोस्तों खान में सेल्ड स्टोइंग किन परिस्थितियों में की जाती है और उसका टाइप बताइए, स्टोइंग का कितना टाइप होता है, आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से करके जाना दोस्तों। 18 में पूछा था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में, व्हाट इज जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है और
जियोथर्मल ग्रेडियंट इन इंडियन कोल माइन में कितना होता? तो दोस्तों इतना होता है 1°C / 38 m जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है दोस्तों इंडिया में। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है वो सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। फिर दोस्तों आपसे स्पोंटेनियस कंबसन ऑफ कोल के बारे में पूछा गया था दोस्तों मुझसे। फिर लास्ट में दोस्तों अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव किस रूप में होना चाहिए? तो दोस्तों सिर्फ कार्टेज के रूप में होना चाहिए। ऐसा ऐसा दोस्तों कुछ क्वेश्चन आया था और लास्ट में मुझसे जाते जाते पूछा गया था ए से बी आर एक्स सेब्रेक्स क्या है आप बताइए। ये तो दोस्तों मुझे पता नहीं था, बाद में मैंने पता किया तो इसका फुल फॉर्म पता चला, साइंटिफिक अप्रोच टू ब्रेकिंग रॉक विथ एक्सप्लोसिव। तो दोस्तों स्टार्टिंग का आपसे थोड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ होता जाएगा। मुझसे दोस्तों ये एग्जाम नहीं निकला था, मैंने दो दो बार इसमें ट्राई किया था तो मुझसे ये एग्जाम नहीं निकला। अगर आप सिम्फर में जा रहे इंटरव्यू करने के लिए तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। आपका सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है वहां पर, तो आपसे यही सब जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे लगभग दोस्तों जो स्टूडेंट जवाब दे रहा था तो उससे 20 से 25 मिनट तक क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा था दोस्तों, और जो लोग जवाब नहीं दे रहे थे तो उससे लगभग 10 मिनट क्वेश्चन का पूछा जा रहा था दोस्तों वो लोग से। तो दोस्तों लगभग अगर आप जवाब देते हैं तो आपसे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। दोस्तों बात करें इसका रिजल्ट के बारे में तो दोस्तों इसमें दोस्तों 1 से 2 दिन में सिम्फर का वेबसाइट में आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको वहां से पता चल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, CSIR सिम्फर में आपसे इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब